हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वक्त से पहले इलेक्शन हुए तो फायदा नून लीग को होगा। सिराजुल हक की गुड मॉर्निंग, आज से गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही हो ताकि किसी को ये बहाना ना मिले कि हम तो आसमान से तारे तोड़ कर लाने वाले थे मगर हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। एहतसाब अदालत में हसन और हुसैन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिर। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तफ्तीशी अफसर लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं। समाअत में कुछ देर का वक्फा। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस में भी नैब का तफ्तीशी अफसर गैर हाजिर। नैब कोर्ट ने समाअत में वक्फा कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस केस के तफ्तीशी अफसर भी लाहौर से आते हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस हतमी मराहिल में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुकदमे की समाअत होगी। इमरान खान के वकील हतमी जवाब उल जवाब दलाइल पेश करेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बाईस सिंध हाई कोर्ट का 10 हाई प्रोफाइल केसेस सखर मुंतकिल करने का हुक्म। मुकदमात में एयरपोर्ट हमला और साजिद कुरैशी कत्ल केस भी शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से स्मोक की शिद्दत कम हो गई। जहां बारिश नहीं वहां आलूदा धुंध का कब्जा बरकरार। ट्रैफिक मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल चुका है। जब वो इंसिडेंट हुआ था तो उसमें एक हमला किया गया था एक मीडिया हाउस के ऊपर। उस क्राउड में जितने लोग थे सबको अरेस्ट किया गया। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम से राब्ता 8 माह से हो रहा है। दोनों से कहा गया है कि जो चाहे सियासत कर ले लेकिन खून खराबा नहीं। कोई इंजीनियर्ड सियासत नहीं हो रही। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। इंतखाबी हलकाबंदियों के हवाले से आईनी तरमीम पर गौर होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल इंतखाबी हलकाबंदियों पर आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एक रोजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती कामों के हवाले से अहम इजलास की सदारत और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अदालत ने 6 मुस्लिम अक्सरियती मुमालिक के शहरियों की अमरीका पर पाबंदी की इजाजत दे दी। पाबंदी का इतलाक ईरान, शाम, लीबिया, यमन, सोमालिया और चैड के शहरियों पर होगा।